अब तक आपने देखा। रुक जा लगा, मैं तुझे कुश्ती की चुनौती देता हूँ। बाबूजी यो स्पोर्ट्स कैंप में मारे को जाना है। माँ जी ना, आपने जो भी सजा देनी है मन्ने दे दो, मेरे घर वालों को इसमें ना घसीटो। ऐसा क्या कर दिया हमारी छोरी ने? आपकी संस्कारी गुणवान छोरी ने हमारे घर में प्रेम गुरु बनकर हमारे मेहमान की छोरी भगा दी। माफ कर दीजिए हमारी छोरी को, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगू। अब आगे ठीक से भाभी, इस बार तो आपकी बात मानकर मैं कोमल को माफ कर देती हूँ, लेकिन आप इसे अच्छी तरह समझा दो कि अगली बार इसने कोई भी ऐसा कदम उठाया तो इसे कोई माफी ना मिलेगी। फिर मैं इसे अपने साथ ना लेके जाऊंगी, इधर ही छोड़ जाऊंगी। फिर आप जानो, आपकी छोरी जाने। चल छोरे, या ना देख, फिर दुराधी तो ना वही कहानी, अपने हारने वाली। अरे चुल्लो भर पानी में डूब के क्यों ना मर गया तू? तने शर्म ना रही जो हर बार अपने छोटे भाई ते हार जाए? तू कब ताही बन के रहेगा? तू नंबर दो पहलवान। छोरे नंबर दो पहलवान को कोई ना बूझता है, आई तेरी समझ में? एक तो तेरी लुगाई का नाम भी तेरे काम के साथ जुड़ गया है, उसके भी अरमान होंगे कि मेरा पति नंबर वन पहलवान बने। माफ कर दो मन्ने माँ। जिंदगी भर नोहे माफी मांगता रहिए, जा तेरा भला होगा तेरा। पर सुन, हालत देख अपनी, जाके भी ना ले। इब क्या पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगा, पूरे गांव को दिखाऊंगा, या इस देश को दिखाऊंगा? हार गया जी, पर हार गया राणा, हार गया। इब डोल बजेंगे हमारे घर में, आ जा, थाली लगाऊं तेरे लिया। बड़ा ही बुरा हुआ जमुना जी जी, मारे को तो जैसे ही पता चला मैं तो भाग भाग के चली आई। अच्छा ना हुआ थारी छोरी के साथ। पर पायल तू, थारे बदन पे तो सांप से लौट गए होंगे ना, क्योंकि तूने तो ये सब अपनी आंखों से देखा था, वही थी ना तू? तो के बोली तू, पायल उस वक्त वहां थी? हाँ, अब वो मैं कैसे बता सकूं जी जी? अब हमारे को तो उड़ती उड़ती खबर मिली थी, वो सुशीला है ना, वो ही बता रही थी कि उसी ने अपनी आंखों से पायल को देखा था वहां पे। लो, मारे तो दिमाग से ही निकल गया,
सब्जी चढ़ा के आई थी चूल्हे पे, जल जाएगी हमारी सब्जी तो। अब मैं चलती हूँ जीजी, अपना ख्याल रखना। बहू, यो बिमला के बोल के गई से? तू उस वक्त वहां पर थी, तने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। बहू, मैं थारे से पूछ रही हूं, सच सच बोल, तू वहां थी या नहीं? ओह, इब समझी, इब समझी कि तने क्यों बोला था कि कोमल अब पराए घर की छोरी हो गई से। बरदान को उसके ससुराल जाने से क्यों रोका था तने? थारे मन में कोमल के लिए इतनी नफरत भरी हुई? बहू, कितनी स्वार्थी से। थारी ननंद की भरे बाजार में बेइज्जती होती रही और तू कोने में खड़ी देखती रही, एक शब्द थारे मुंह से ना निकले। तू हमेशा अपने बारे में सोचे है ना? जरा सोच, मारी छोरी ने के कुछ नहीं किया थारे लिए, थारे को मान दिया, सम्मान दिया और तू? मारी छोरी को थारी जरूरत पड़ी तो तू कोने में खड़ी होकर तमाशा देखती रही। वापस आकर भी तने मारी को ना बताया, समधन जी आए कोने में खड़ी सुनती रही, उनके जाने के बाद भी तने मारी को ना बताया। शर्म ना आवे थारे को के शर्म हजार सब बेच कर खा गई से? बस माँ जी, बस, बहुत बोली आपने। इब मारी भी सुन लो, चाहे आप यो बात मानो या ना मानो, पर कोमल इब इस घर की जिम्मेदारी ना रही, यो ही सबसे बड़ा सच है। पराया धन हो गई है, जैसे आप और मैं हो गए थे ब्याह के बाद। उसकी देख रेख, रख रखाव, खान पीन की जिम्मेदारी अहलावत खानदान की है, मारी ना है। यो बात आपके पल्ले क्यों ना पड़ती? इब रही उस दिन की बात, तो माँ जी कौन ना था वहां? उसका सारा परिवार खड़ा हुआ था। जब उसके ससुर जी, उसके पति वहां खड़े होके कुछ ना कर पाए तो मैं वहां जाके के रोक लेती। मैं वहां कुछ कर भी आती माँ जी तो भी आपके सामने बुरी बन जाती। तेरा जी भर गया उस ना देखते थे इसे वापस दे दे वहीं। मैम, मैंने खाने के लिए निकाला है, देखने के लिए थोड़ी। यो राणा के लिए बचा कर रखा है मैंने। पर मां, राणा भाई तो केक खा चुके हैं ना, अब मैंने तो अभी तक चखा भी ना। तने एक बार की समझ में ना आती कही, बहस ना करे, यो राणा के लिए है। मां, मैं सही कह रही हूँ, राणा भाई केक खा चुके है ना, और यो केक तो अपने गाँव में मिलता भी ना है, खाने दो ना मां मुझे। छोरी को इतने जबान लड़ाना शोभा ना देता है, ससुराल में जाके यो ही बर्ताव करेगी तो दूसरे दिन मारे घर आके बैठ जाएगी। तो छोरी है, छोरा बनने की कोशिश ना करे, आगे समझ में तेरी, हटा। पर मैं, इसमें छोरा छोरी की क्या बात है? मारे खुद के घर में छोरियों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो समाज में के हाल हो रहा होगा उनका। कल को अगर मारी बिटिया के साथ उसके ससुराल में कोई अनहोनी हो जाए तो मैं क्या कर पाऊंगा? अरे उसके ससुराल में क्या, कल अपने ही घर में अपनी ही बहू को बेइज्जत होने से बचा ना पाया मैं, क्यों? सिर्फ इसी समाज के कारण। माँ, हाँ माँ बोल। मालती, कहाँ गई थी, कहाँ जा रही हो? कोमल को उसके मायके लेके गई थी, जमुना भाभी के घर। क्या बात हो गई? जमुना भाभी को यो बताने गई थी कि उनकी छोरी ने इस घर में आते ही क्या क्या कर दिया, और यो भी पूछने गई थी कि वो तो बड़ी संस्कारों की बात करती है ना,
तो अपनी छोरी को क्यों ना सिखाए संस्कार। अच्छा ये बताओ कि कोमल कहाँ? बाहर होगी, उसकी माँ का फोन आया था, बात कर रही होगी। ठीक है माँ। अरे वाह, आज तो मेरा छोरा बड़ा खुश नजर आ रहा है। के बात से ऐसी खुश रहा कर, घर में रौनक लेती है और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। माँ मैं चेन्नई जा रहा हूँ, वो भी 6 महीने के लिए, स्पोर्ट्स कैंप के लिए। बाबूजी ने बोला माफ कर देना, मैंने आपसे झूठ बोला। ना ना छोरी, माफी थारे को ना मारे को मांगनी चाहिए। मैं थारी मास हूं। थारे दिल का दर्द, थारे मन की आवाज मारे को सुननी चाहिए थी ना। छोड़ ना माँ, फिलहाल तो मैंने समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यो समय है ना बड़ा ही नाजुक से। पर छोरी मैं जानू कि तू घनी समझदार से। जिसे थारे ससुराल वाले कहे ना तो बिल्कुल वैसा ही कर। अपने आप कोई ऐसा कदम ना उठाना कि बाद में थारे को पछताना पड़े। ठीक कह रही है माँ, मैं वही करूंगी। चल ये फोन रखती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक से छोरी, अपना ध्यान रखियो। जरा देखो तो इसे, खुद को आईने में ऐसे निहार रहा है जैसे कोई सुपरस्टार हीरो हो, पर सारी हीरोगिरी निकल जाती है अखाड़े में। कभी कभी तो लगता है कि जानबूझकर ही हारा होगा। खैर जो भी हो, अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। सॉरी पिंकी जी, वो आज अखाड़े में यो फैसला हुआ कि स्पोर्ट्स कैंप में ला ही जाएगा। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। शो माफी का क्या फायदा, रहने ही दो आप। क्या हुआ पिंकी जी, बोलिए ना के बात है। के बताओ राणा जी आपको, मैं महाराज जैसे दिल ही टूट गया। मारे को तो विश्वास था कि आप कुश्ती जीत कर आओगे, पर आप तो राखा जी के सामने दिख ही ना पाए। सच बत बताओ तो बहुत दुख हुआ मारे को, और जिस हिसाब से आप हार कर आए हो, मारे को तो लगता है आप चेन्नई जाना ही ना चाहते हो। कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है आपको आपके भाई के साथ, बस जीतना ही ना चाहते हो आप उससे। और उसको उसको तो एक पैसे की चिंता ना है आपकी, बस अपने जीत के गुमान में घूमता फिरता है वो। मारे को तो लगता है आपको आदत सी पड़ गई है खुद 2 नंबर में रहकर उसको नंबर 1 में रखने की। लोगों के सामने ना यो पहचान बना लेना हमेशा, लाखा के भाई लाखा के भाई। खुद की पहचान बनाने की तो इच्छा ही ना है आपकी, दूसरों को दोष देके क्या करूं अब मैं। आपको अगर सच में कैंप में जाना होता, सच में चेन्नई जाना होता, तो आप यूं हार के थोड़ी आते। जिंदगी भर लाखा जी के परचाई बनते फिर ना। अरे बस, बस पिंकी जी बस। मैं ना आपका बहुत सम्मान करता हूँ पिंकी जी, मगर आज के बाद अगर आपने मारी कुश्ती और लाखा के बीच में आने की कोशिश भी की तो यो मान सम्मान है ना पिंकी जी, इसको नफरत में बदलने में ना टेम ना लगेगा जी। इबना एक बात अच्छे से समझ लो पिंकी जी, मारा और लाखा का रिश्ता क्या है आपको समझ में आए या ना आए।
आप इस रिश्ते के बीच में कभी नहीं आएगी, समझे आप? क्यों मैंने केक कर दिया? दिमाग खराब हो गया हमारा। बस एक बार पायल भाभी मिल जाए, कहाँ फंसा दिया हमारे को। कोमल बेटी जी बोले बाबूजी, मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मारे को माफ कर देना बेटी। ना ना बाबूजी, हो आप क्या बोल रहे हो, माफी तो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। ना बेटी, आप बैठ बैठ। गलती थारे से नहीं, गलती तो हम सब की है, हमारे पूरे खानदान की है, जो पूरे समाज की है। बेटा ये स्वार्थी समाज है ना, ये बचपन से ही कहता है कि छोरियां जो है ना, छोरे के मुकाबले में कमजोर है। बचपन से छोरियों के दिमाग में यह डाला जाता है कि छोरों के साथ आप कभी बराबरी नहीं कर सकते, छोरे हमेशा आगे ही रहेंगे। और दुख की बात तो बेटा यह है कि मारे जैसा आदमी इस समाज में रह रहे के मेरी सोच कैसे हो गई। मारी छोरी सीधे रास्ते पे चल रही थी, पर मैं उसको दूसरी निगाह से देखने लग गया। ये मारी गलती है। अब तू बता, लवली की जगह अगर प्रधान सिंह के छोरे ने ये किया होता तो क्या ये बवाल उठता? नहीं ना। और थारी जगह अगर किसी घर के छोरे ने ये किया होता तो क्या रोड पे ऐसे उसकी बेइज्जती की जाती? कभी नहीं की जाती। बेटा मुझे सच्ची माफ कर देना, मैं पता नहीं क्यों प्रधान सिंह जैसा वैसी बन गया और अपनी बेटी को दोषी मानने लगा। पता नहीं क्यों ये मैं भूल गया कि मारी बेटी कोमल कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती है। ये समाज ही बात नहीं समझेगा, पर मारी नजर में तूने जो कुछ किया सही किया, सच। से माफी ना मांगो बाबूजी, आपसे अच्छे बाबूजी तो किसी को ना मिल सकते। अच्छा, और एक बात मारी सुन, थारी से अच्छी बेटी मारे को भी नहीं मिल सकती। ये बात गांठ बांध ले कि मारा आशीर्वाद तेरे सर पे हमेशा रहेगा। और एक बात और, अपनी काबिलियत अपने हुनर को कभी हारने मत देना। यो अखाड़ा देख रही है? ये जो अखाड़ा है ना, ये अखाड़ा हमारी जिंदगी की जैसे है। ये जरूरी नहीं है कि जो पहलवान कभी गिरा ही नहीं वो ही जीतेगा। जी तो उस पहलवान की होती है जो बार बार अखाड़े में गिरता है लेकिन फिर खड़ा हो जाता है अगले मुकाबले के लिए, उसका सामना करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है
कि तू भी कभी हारेगी नहीं और अपने हर चुनौती का बड़ा डट के सामना करेगी, है ना? चाहे आंधी आए या तूफान, मारी एक बात हमेशा याद रखना, हार उसी की होती है जो उसे स्वीकार करे, समझी बेटा? हाँ बापू जी, कि वो सीख मैं ना भूलूंगी, पर लक्की जी 6 महीने के लिए चेन्नई जा रहे, ये उन्हें मैं कैसे मनाऊंगी? भाई उसके जाने में तो टाइम है, अभी तू जो कर सकती है कर, रोक ले उसे। वो तो मेरी शकल भी ना देखना चाहते, सीधे मुंह बात भी नहीं करते, क्या करूं? देख बेटा, जहां चाह वहीं रह। कल का दिन है ना, बड़ा अच्छा दिन है, कल का दिन तो तेरे को मौका भी मिल जाए। पूछ क्यों? क्यों बेटा, कल कैलाश भाई साहब और कमला भाभी की ना 30वीं सालगिरह है। मैं तो नहीं रहूंगा, पर मुझे पक्का यकीन है कि तू सबके साथ साथ ना लाखा को भी मना लेगी।